नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं बिलियन क्रिकेटर, एशिया कप में आपका स्वागत है। जी हां, कहानी है इस दौर की। शाहीन की तारीफ में पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बेइज्जती। शायद उनको पता नहीं है विराट कोहली और रोहित शर्मा उनके मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। इससे पहले आपको क्या लगता है, शाहीन अफरीदी, रोहित शर्मा, विराट कोहली में आप किसको महान खिलाड़ी मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शाहीन अफरीदी, रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोटे स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था। इसके बाद पाकिस्तान को पूर्व प्रधानमंत्री ने उनकी जमकर तारीफ की। शायद उनको पता नहीं था आगे होने वाला है क्या। हम आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच में दो टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों से कई ज्यादा होता है। खिलाड़ी मैदान पर सामान्य रहने की कोशिश करते हैं और अक्सर कहा जाता है कि यह एक मैच से ज्यादा नहीं है, लेकिन हकीकत इससे कई गुना ज्यादा है। दोनों देशों के नेता और अन्य लोग इस मैच को लेकर तनाव में रहते हैं और सोशल मीडिया पर जमकर बहस होती है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बाद भी ऐसा ही हुआ। बारिश के कारण यह मैच पूरा नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राउत ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं भारत के लिए हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने बेहतरीन अर्धशतक लगाए। नई गेंद से शाहीन का जादू इतना अच्छा था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी जमकर तारीफ की। शायद उनको पता नहीं था हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का प्रदर्शन इतना जबरदस्त रहा कि पाकिस्तान की टीम में हलचल मच गई। हम आपको भटकाते नहीं, सीधे मुद्दे पर लेकर चलते हैं। शाहीन को पहले ओवर में विकेट नहीं मिला था, लेकिन पहली गेंद से ही उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा था। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और सुमन गिल को जल्दी आउट करने के लिए वह पूरा प्रयास कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने कई गेंद लेग स्टंप पर भी की और रन लुटाए। ऐसा लग रहा था कि इस मैच में शाहीन बेअसर साबित होंगे। हालांकि बारिश की वजह से मैच रुका था। इसके बाद शाहीन अलग रूप में नजर आए। 15 से 20 मिनट की छोटी सी देरी में शाहीन को फिर से आकलन करने का मौका दिया। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो वह बिल्कुल अलग ही गेंदबाज नजर आ रहे थे। बारिश के बाद खेल शुरू हुआ तो शाहीन ने चौथी ही गेंद पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया। अपने अगले ओवर में उन्होंने विराट कोहली को भी आउट कर दिया। इस बार गेंद रोहित उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन विराट कोहली का विकेट अहम तरीके से ले लिया। शाहीन ने अपनी गेंद की लंबाई थोड़ी सी पीछे खींच ली और इससे उन्हें विकेट मिला। बारिश के ब्रेक के बाद उन्होंने एक और बदलाव किया। गेंद को स्विंग कराने की बजाय उन्होंने पिच पर पटकने का फैसला किया। पल्लेकल की पिच में दोबारा उछाल था और यही विराट के आउट होने का कारण बना। वह गेंद को जिस तेजी से आने की उम्मीद कर रहे थे वह उस तेजी से नहीं आई और गेंद बल्ले में लगकर विकेट में चली गई। शाहीन ने 35 रन देकर 4 विकेट लिए और एक ही वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।